भाई साहब आ गए अपने रूम पर। अल्लाह खैर करे। अभी जो ना थोड़ा काम पे गए थे, काम करके आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये कि थोड़े कस्टमर है उससे बात करनी है और गाड़ियाँ डिलीवरी करनी है। एक गाड़ी जो ना एक बंदे ने ऑर्डर किए, अल्लाह खैर करे, उसको अनबॉक्सिंग करूँगा। वो वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि किस तरह अनबॉक्सिंग करते हैं, किस तरह उसको फिट करते हैं। और यार यहाँ पर कुछ बिल्ली की आवाज़ आ रही है, पता नहीं किस जगह में, लगता है कोई बिल्ली बिल्ली है, बिल्ली लगती है कि बिल्ली है, उसको निकालना है। इसको क्या इस कमरे के अंदर है, इधर तो मैं खाल इधर तो नहीं है बिल्ली, आवाज़ आ रही थी सुबह सुबह। लेकिन सुबह सुबह मैंने जा रहा था स्कूल, मैंने बोला आकर देखूंगा क्या मसला है। वो सामने उधर है बिल्ली। ये आई कैसे यहाँ पे? इसको निकालना है अभी इसको। एक मिनट कपड़ा उठाता हूँ, कपड़े से उठाता हूँ, कपड़ा निकाल के फिर उसको निकालता हूँ। यहाँ पे तीन बिल्ली के बच्चे हैं, तीन। पता है पहले दिन क्या हुआ, काफ़ी दिन पहले मैडम मेरे पास यहाँ पे आई थी ना गस घर में, तो मुझे बता रही थी बिल्ली, तुझे मैंने नहीं बोला बिल्ली को अंदर आने मत देना, मैंने बोला मुझे कौन सा गेट के अंदर बैठा रहता हूँ कि बिल्ली आएगी कि नहीं आएगी। बार बार मेरे से ही पूछ रही थी कि अरे बिल्ली ऊपर चली जाती घर के अंदर उधर, और वो बाथरूम वाथरूम करती है तो सब स्मेल आता है। फिर एक दफ़ा फिर मेरे से पूछा कि बिल्ली कहाँ से आई, मैंने बोला बिल्ली के पास मेरा नंबर है, वो जब भी आता है मेरे को फ़ोन करता है, मैं उसको गेट खोलता हूँ इधर से और फिर अंदर घुस जाता है। बोल रहे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने बोला मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, बिल्ली को मैं कैसे रोकूँ, मैं तो बाहर होता हूँ कभी किधर कभी किधर। और वो उसी बिल्ली के ये बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं। अब इसको जो ना रेस्क्यू करना है, इसको निकालना है, वरना ये तो यहाँ मर जाएंगे। क्या कहते हैं, आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किधर से आ जाते हैं। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। बाकी ओ तेगी, नहीं 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 बेटा, बुरी बात बुरी बात, नहीं 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 ना 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 ना, चलांगे नहीं मारो। वो तिरकी बिल्ली का बच्चा है कि शेर का बच्चा है, इतना खतरनाक साउंड है इसका। वो तिरकी हरण भी मार रहा है, हरण मार रहा है, क्या कर रहा है ये? सबर कर, शेर का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा नहीं है। तो नहीं यार, ये भाग अर्जुन भाग भाग, इधर नहीं आया दोबारा, भाग भाग। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे और सलामत रखे, आमीन आमीन। आज मैं आपको व्लॉग दिखा रहा कि मैंने रात को जो ना ऑर्डर किया था गाड़ियों का, बहुत सारी गाड़ियाँ ले गया, मैंने बड़ा शोरूम बना लिया, पता है इस घर के अंदर शोरूम बना है गाड़ियों का। तो मैं दिखाता हूँ आपको गाड़ियाँ किस तरह मैंने गाड़ी लेके आया, बहुत सारी गाड़ियाँ लेके आया। अब ये पता नहीं है कि यार ये कैमरे जो ना, ये कैमरे सामने चल रहे, ये कैमरा है ना, ये कैमरा, ये एक कैमरा वो है, वो कैमरे लगे हुए हैं अल्लाह खैर करे। क्योंकि जब मैं सामान लेके आता हूँ ना इधर से लेके आता हूँ गेट से, यहाँ से मैं लेके आता हूँ,
दिखाता हूँ आपको, इधर से लेके आता हूँ, इधर गाड़ी लेके आता हूँ, सुजुकी वाला आ जाता है सामान लेके, फिर उसको मैं जो ना यहाँ पे रखता हूँ। ये मेरा रूम है, ये ड्राइवर का रूम है, ड्राइवर का रूम होता है छोटा होता है, ये ड्राइवर का रूम है। और ये अल्लाह भला करे ये गाड़ी आ गई जीप आई, ये गाड़ी है भाई देखो, ये मैंने रात को जो अनबॉक्सिंग की है इस गाड़ियों का, और कस्टमर काफ़ी मेरे को फ़ोन कर रहे थे हमें गाड़ियाँ चाहिए। अब उस कार्टन में भी पड़े हैं, उसमें भी पड़े हैं, उसमें भी पड़े हैं, दो कार्टन उसमें भी पड़े हुए हैं, ये है दो कार्टन, उससे दूसरे छोटा रूम है उधर उधर रखे हैं। तो भाई बात करने का मतलब यही है ना कि छोटे से शुरू करो, इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो जाओगे। मुझे अगर पहले पता होता ना तो ये मैं बहुत पहले शुरू कर देता, लेकिन मुझे पता नहीं था इसके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि मैडम को पता ना चले, मैडम थोड़ी ख़तरनाक है, कपिल तो अच्छा है, अगर उसको पता चल गया ना कि भाई हमारी बिल्ली हमारा कुमी हो तो ये इनको कोई भरोसा नहीं है, कभी भी ये लोग बदल सकते हैं। तो आपने लिए भी सेटिंग करना पड़ता है, इंसान है ना, तो कभी भी यहाँ काम छोड़ सकता हूँ, ये मुझे पता होता ना पहले तो मैं ये काम पहले करता। अब क्या है, इसको जब कोई कस्टमर फ़ोन करता है बोले डिलीवरी करो, मैं बोलता डिलीवरी मैं नहीं करता हूँ, आप खुद आके खुद लेके जाओ। तो जब आते हैं कस्टमर तो गाड़ी स्टार्ट करके उसको रेडी देता हूँ, उसको मैं लेके जाओ, पैसे लेके ख़त्म, बात वो खुद आ जाते हैं यहाँ पे। और दूसरी बात ये है, ये कैमरे मैंने देखा, ये कैमरे लगे हुए हैं, अगर खुदा ना खास्ता अगर मैडम ने देख लिया मेरे को कैमरे में, पता नहीं कि मैं चालू है कि बंद है अल्लाह जाने, अगर देख लिया तो मुझे बोले कि तो अच्छा तुम ये बिजनेस कर रहे हो। तो ये लोग जो ना ये पसंद नहीं करते कि हमारा ड्राइवर जो ना कामयाब हो जाए, अमीर हो जाए, ये लोग नहीं चाहते क्योंकि फिर ये हमारे से चला जाएगा। लेकिन अल्लाह खैर करे, करते हैं जब तक नसीब है तो करते हैं, चोरी थोड़ी कर रहे हैं, अपना काम कर रहा हूँ, छोटा बिजनेस कर रहा हूँ, छोटा अपने साइड में बिजनेस कर रहा हूँ, आप लोग भी करें इंशाल्लाह, अगर आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए कुछ नहीं बनेगा आपके लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि ये उम्र ये वापस नहीं आता, ये चला जाता है, एक एक दिन एक एक घंटा जो ना वापस नहीं आता, चला जाता है, फिर दोबारा नहीं आता है, समझा। तो आप भी कोशिश करें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुश रहिए। ये हमारा ब्लॉग है, और आप कहेंगे यार ये तुम ब्लॉगिंग कर रहे हो कि हमारे को दिखा सिखा रहे हो कि ये करना है वे करना है, तो ये बात है। अब स्कूल का टाइम भी होने वाला है, स्कूल भी जाना है, और ये सीट है, ये सेट क्लास होता है ना, ये शीशा है, और ये जो ना लाइट है, मैं इसका भी फुल वीडियो बना के किसको किस तरह फिट करते हैं, क्योंकि ये खुला आता है ना, ये फेक नहीं आता है, टायर वगैरह है ना अलग अलग आते हैं, अगर टायर एक साथ आएंगे तो ये कार्टन बड़ा हो जाएगा, तो ये फिर डिलीवरी में मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो ना ये छेने से आते हैं। हाँ भाई साहब देखें, ये अब मैंने रेडी कर दी इस गाड़ी को, रेड वाली देखें सारा फिट कर दिया, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस अभी ऐसे चालू करो रिमोट से,